हेलो दोस्तों, मेरा नाम जी हॉर्स राइडर। आज निकला हूँ मैं राइडिंग पे। काफ़ी दिन हो गए राइडिंग किए हुए, तो सोचा आज राइडिंग करते हैं। इतने दिन हो गए नचाते हुए, तो भाई को लेके साथ में छोटा भाई साहब है राहुल, और मैं दोनों राइडिंग पे निकले हैं। दो घोड़ियाँ तो दोनों को तैयार कर रहे हैं, तो रोज़ नचाते हैं। नचाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो सोचा बस बेटा धीरे 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 राहुल धीरे चला इसको, तो आगे नहीं निकला। तो सोचा आज राइडिंग पे निकलते हैं। काफ़ी दिन हो गए और प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है कि घोड़ियों के पाँव में नाले, मतलब तो खुड़ताल नाले जो भी आप बोलते हो, वो लगाई हुई है, तो धीरे चलाना पड़ रहा है। और ये मंदिर है जो आप देख रहे हो, कल्पवृक्ष है, और ये इधर पास में तालाब है, पीछे भाई है घोड़ी लेके आ रहा है। ये बहुत ही ये मतलब माना हुआ है यहाँ का, तो यहाँ पे आते रहते हैं लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। कल्पवृक्ष बोलते हैं, वो कल्पवृक्ष ही है, नारी कल्पवृक्ष, और इधर उधर एक मादा है। दिखाएंगे आपको कल यहाँ पर भी, ये भी दिखाएंगे। बाकी एक मेला भी लग रहा है 28 तारीख को, अजमेर के पास में है मांगलियावास गांव, वहाँ पे मेला लग रहा है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी मेले का थोड़ा सा आज का माहौल दिखा देता हूँ आपको। हम भी इसी बहाने से निकले हैं कि चलो कोई नहीं, मेले में भी घूम आते हैं और घोड़ियों को भी राइडिंग दे देते हैं आज। बस इतना तो हम इनको नहीं करवाते कि भाई इतना चलाना, ज़्यादा कोई ज़्यादा लंबा टूर तो नहीं है, लेकिन मान लो 5 किलोमीटर तो है ही कम से कम। ये भी घोड़ी जो तैयार हो रही है, आपको कल वीडियो दिखाया था मैंने इसका यूट्यूब पर, और बाकी ये तो है ही है, आपने दिखाया, आपको भी दिखाया है मैंने। और बाकी देखो सामने झूले वूले लगे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी राइडिंग करने में आता तो मज़ा ही है, लेकिन यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि नाचने वाले घोड़ियों को ज़्यादा चलाते नहीं हम अब। और छोटे छोटे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है हमको कि यहाँ पे जो गायें भैंसे होती है वो क्या चमकती है इन घोड़ियों को देखते, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की गाय चमक के निकल जाती है। हमारा टाइम होता है शाम को 4 बजे निकलने का या 5 बजे, 5 बजे उनका टाइम होता है, वो या तो आते हैं या जाते हैं। बाकी यहाँ मेला भरने वाला है कल को, आज शाम को ये वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। बाकी यहाँ पे एक बहुत ही भव्य अच्छा मेला भरने जा रहा है, दिखा सकते हैं हम आपको। हम भी इसी बहाने मेले में घूम लेते हैं, घोड़ियों की राइडिंग भी दे देते हैं, दिखा देते हैं। चलो कोई नहीं, अंदर से भी दिखा देते हैं, चलते हैं अंदर। चलो बेटा चलो, शायद पता नहीं अभी ये पानी से चमकती है का नाली से चमकती है, तो वो हमको कुछ आज इतना नॉलेज नहीं है। पहली बार इन घोड़ियों पे बैठे, हमने राइडिंग नहीं दी इनको राइडिंग, पहले से हमने तो डांस की ट्रेनिंग शुरू की है, देख सकते हो आप। वैसे मेला तो बहुत ही अच्छा चलने लग गया है लगभग, कुछ इतना कुछ तो मेले में ऐसे झंडे वंडे चलने लगे हैं। और क्या बात है भाई, क्या घोड़ियों पे तो मेला देखने का मज़ा ही कुछ अलग ही है ना, देख सकते हो आप। और इधर ये झूले लगे हुए, झूलों के साथ साथ क्या है, झूलों के साथ साथ हम घोड़ियों को भी इधर लोगों को खिलाएंगे, झूले घोड़ियों पे भी बिठाएंगे। एक भाई बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, चलो मिल के आते हैं। पहले तो मैं गया नहीं, लेकिन अब चलते हैं, मैंने सोचा चलते हैं। राहुल धीरे धीरे देख, घोड़ी नाचती हुई चल रही है धीरे, देख फोन को अंदर डाल लेते रहे हो, ये फोन माइंड डाल ले रहे। ओ भाई कुछ बुला रहे थे, उनको घोड़ा लेना था, इसलिए उनसे मिल के आए है। चलो ना, चलो बेटा देखते हैं आगे और क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे झूले लग रहे हैं, अभी तो इतना माहौल नहीं बन रहा है, लेकिन बनेगा, कल तक जरूर बन जाएगा। चलो और कहीं निकलते हैं, चलो देखते हैं। चलो बेटा